हेलो बच्चों मैं आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में हम जो भी ली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलिनियस प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है साथ ही में वहाँ पर जो हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं एक्सरसाइज भी हमने की है, है ना तो इतना सब हमने कर लिया है और मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे ही चैनल पे जो सोनू सर है वो अपना जेई का क्रेश लॉन्स क्रेज़ कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो जो बच्चा इलेवंथ के साथ अपनी जेई की प्रिपरेशन को स्ट्रोंग करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ सकता है और ये जो कोर्स होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसमें कुछ चार्ज भी नहीं लिया जाएगा और इन क्लासेस की जो भी लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी तो अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है अपने पास है ट्वेंटी है ना इसका मिसलिनियस को तो यहाँ पे देखो कि हाउ मेनी वर्ड्स और विथाउट ऑफ मीनिंग ईच ऑफ थ्री यानी ईच ऑफ थ्री वोवल्स एंड टू कॉन्स्टोनेंट कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ इन्वोलेंट यानी इनवोलेंट वर्ड से हमें देखो कितने वर्ड बनाने टू तो कॉन्सटोनेट से बनाने और थ्री वोवल्स से बनाने हैं ठीक है तो ये जो क्वेश्चन था वो हमारा डिपेंडेंट था जब हमने कॉम्बिनेसन की क्या लिखी थी डेफिनेशन लिखी थी तो कॉम्बिनेशन जैसे परम वहाँ पर वहां पे हमने क्या किया था परम्यूटेशन डिफाइन किया था परम्यूटेशन इक्वल टू कॉम्बिनेशन इनटू मल्टीप्लाई टू आर का फैक्टोरियल उसी प्रकार से यहाँ पे ये यह फॉर्मूला होगा और इसमें देखो अभी यह आपको एक यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सेलेक्टिंग और चॉइस दिखेगी तो वहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन लगाना है और जहाँ पे ऐसा कुछ वर्डिंग की फॉर्मेट करवाए जहाँ पे हमें सेलेक्ट 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 या चूजिंग वर्ड ना दिखे तो हम वहाँ पे क्या करते हैं इस पर वहाँ परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं ठीक है तो इसी में अभी देखो यहाँ पे जब इनवोलेंट वर्ड को हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए तो इसके अंदर देखो कि हमारे पास वोवल कितने होंगे वोवल कितने हैं एक है अपने पास आई है यू है ओ है और कितने हैं ई है तो ये अपने पास क्या आ गया वोवल और अपने पास देखो कौनसोन कितने है ना कौनसोन कौनसोनेट्स कौन कितने आ गए यहाँ पे एक एन आ गया एक वी आ गया ठीक है और एक आ गया एल आ गया एक टी आ गया तो यहाँ पे देखो कितने फोर और फोर एट नंबर हैं एट टोटल आ गए ठीक है तो यहाँ से बढ़ते हैं तो अब हमारे पास देखो टोटल वोवल तो कितने आ गए चार और, और टोटल कितने आगे टोटल कॉन्सोनेंट आ गए चार अब देखो कि हमें टू कॉन्सोनेंट्स और टू वोवल कहाँ से सेलेक्ट करने इससे करने और हमको इनको रीअरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं रीअरेंज कर सकते हैं हम इनको कितने तीन और दो पाँच के फैक्टोरियल से क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था ना कि एन ऑब्जेक्ट्स एट ए आर टाइम तो उनको कॉम्बिनेशन लिखते थे और उनका क्या करते थे जितना आर टाइम आता था वो हम क्या लगाते थे फैक्टोरियल लगाते थे इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे पहले हमारे पास क्या होगी सेलेक्टिंग तो यहाँ से तो फिर हम क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे इनका कॉम्बिनेशन तो पहले हमारे पास देखो कितना है कि वी सिलेक्टेड वी सिलेक्ट वी सेलेक्ट थ्री थ्री वोवल्स तो यहां पे क्या करते हैं कि वी सिलेक्ट थ्री वोवल फ्रॉम कितने फोर four, four vowels, in, four c, three way ठीक है एक दूसरा क्या होगा इसी प्रकार से क्या करेंगे हम कॉन्सोनेंट को भी क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा वी सेलेक्ट वी सेलेक्ट कितने हमारे पास टू कॉन्सोनेंट्स हैं कॉन्सो टू कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट फ्रॉम कितने अपने पास फोर फोर कॉन्सोनेंट इन कौन से वे में कि अपने पास फोर है फोर और कितने टू कॉन्सोनेंट है वे तो यहां से सो टोटल टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स इक्वल टू कितने आएंगे टोटल कॉम्बिनेशन तो अपने पास कितने हैं वो है फोर 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 में से सी थ्री मल्टीप्लाई एंड है ना वहां पे और यहां पे कितना आ जाएगा फोर सी टू अब देखो कि हमें इनके क्या करना है रीअरेंजमेंट करना है तो वी कैन बी रीअरेंज कैन बी अरेज फाइव ऑब्जेक्ट फाइव ऑब्जेक्ट एट ए टाइम यानी एट ए टाइम फाइव ऑब्जेक्ट्स को हम एट ए टाइम किस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं रीअरेंज एट ए टाइम इन कितना फोर कितने फाइव फैक्टोरियल से कर सकते हैं ठीक है सो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑफ थ्री वोवल्स एंड टू कॉन्सोनेंट इक्वल्स टू क्या होगा कॉम्बिनेशन कितना होगा इनका कॉम्बिनेशन तो होगा फोर सी थ्री और फोर सी टू और इनको हम कितनी तरीके से अरेंज कर देंगे फाइव तरीके से तो यही अपना पास क्या आ गया इसका आंसर तो ये अपने पास देखो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसका हमने आंसर किया तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि हमारे पास एक डेफिनेशन थी जो कि क्या थी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रिलेशन था उससे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है ठीक आगे बढ़ते हैं सॉरी <laughs> अब देखो यहाँ पे देखो एक ग्रुप कंसिस्ट करना है जिसमें फोर गर्ल्स है और क्या है सेवन बॉयज है इन हाउ मेनी वेज कैन डू कैन यानी कैन यू मेक ए फाइव मेंबर्स ऑफ सेलेक्ट तो सेलेक्ट वर्ड आ गया ना है यहाँ पर तो यहाँ से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा सेलेक्ट इफ़ दे टीम हैज़ यानी टीम में कोई भी गर्ल नहीं है नो no गर्ल है एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल है और टू क्या है थर्ड वाले में एटलीस्ट थ्री गर्ल्स तो पहले वाले को हम समझते हैं तो पहले वाला क्या क्वेश्चन है पहले वाला है कि क्या है नो no गर्ल है अब देखो नो no गर्ल है इसका मतलब हमारे पास देखो सातों के सातों क्या है कितने की फाइव मेंबर्स की टीम सेलेक्ट करनी है तो उसमें देखो पांच पांच क्या होंगे यदि कोई गर्ल ही नहीं है तो हमें सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे ठीक है सेलेक्ट करने के लिए क्या मेनर होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इसका मतलब आ गया कि हमारे पास देखो कि सेवन चाहिए ना हमें फाइव मेंबर्स की सेलेक्ट फाइव चाहिए ना तो हम क्या करेंगे फाइव बॉयज़ एंड यानी कोई भी लड़की नहीं है इसका मतलब जीरो गर्ल्स जीरो गर्ल्स विल बी सेलेक्ट विल बी सेलेक्ट इन देखो तो लड़के तो अपने पास फाइव है फाइव बॉय है ना कि हमें देखो फाइव बॉयज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे अपने पास लड़के कितने सेवन और वहाँ से हम फाइव सेलेक्ट करेंगे इन टू लड़कियाँ कितनी हैं यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी कितनी लड़कियाँ टोटल लड़कियाँ चार और चार में से हम जीरो सेलेक्ट करेंगे ठीक है तो ये उसका क्या होगा पॉसिबल वे हो गया तो टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा सेवन फाइव और इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी फोर सी वन फोर सी वन की वैल्यू वन तो सेवन फाइव का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल इसकी वैल्यू क्या आ गई वन ठीक है इसको कैसे सोल्व करेंगे सेवन इंटू सिक्स इंटू नीचे फाइव का फैक्टोरियल और टू इंटू वन और यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव का फैक्टोरियल अब इसको सोल्व कर लेंगे तो सेवन इंटू सिक्स में टू यहाँ से थ्री गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन तो हमारे पास हम ट्वेंटी वन तरीके से अपनी टीम बना सकते हैं जब किसी में क्या हो कोई भी लड़की नहीं हो तो अब देखो लास्ट वाले में देखो एट लिस्ट वन बॉय चाहिए और एट लिस्ट वन गर्ल चाहिए तो एट लिस्ट वन और इनके सेलेक्टिंग की प्रोसेस देख लेना तो यहाँ पे देखो दी हुई चीज़ को भी आप लिख सकते हो कि अपने पास गर्ल तो कितनी है फोर और बॉयज़ कितने अपने पास सेवन और हमें टीम कितने की बनानी है टीम बनानी है फाइव स्टूडेंट्स की या फाइव पर्सन लिख लो ठीक है फाइव पर्सन ठीक है इस प्रकार से हमें बनानी है ठीक है अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास देखो केस आएंगे इसमें है ना पॉसिबल केस क्या क्या होंगे वो हमें देखने तो इसमें देखो एटलीस्ट वन है है ना यहां पे देखो क्या है एट वन गर्ल वन गर्ल एंड वन बॉय ठीक है एक गर्ल है एक बॉय है तो हमारे पास देखो कि बॉय तो कितने थे पहले बॉय थे सेवन लड़कियाँ कितनी थी चार और हमें टोटल टीम कितने की बनानी थी टीम कितने आदमी कितने पर्सनस की बनानी थी टीम थी हमारे फाइव पर्सनस की ठीक है फाइव पर्सनस की तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा सॉल्यूशन अब देखो सॉल्यूशन बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे देखने पे क्या आएगा कि देखो अब एटलीस्ट ये एट, लिस्ट एट लिस्ट का मतलब ये होता है कम से कम ये तो जितना हमें दिया हुआ ना वन तो है इससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन हमारे को देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी पाँच यानी पाँच मेम्बर ले सकता है लेकिन हमारे पास देखो टीम पाँच की बननी चाहिए एट एट की कंडीशन कितनी भी हो तो यहाँ पे देखो पहले पहले हम क्या करेंगे कि वी मेक पॉसिबल केस सेलेक्टिंग ठीक है सेलेक्टिंग की हम क्या करेंगे पॉसिबल केस देखेंगे तो पॉसिबल केस क्या होंगे पहले हम क्या करेंगे एट लिस्ट है ना तो एट लिस्ट में क्या होगी वन चाहिए हमें वन बॉय ले लो आप वन बॉय ले लो एंड वन बॉय और एक क्या ले लो अपने पास पांच की टीम चाहिए तो क्या ले लो चार गर्ल्स ले लो चार गर्ल्स विल बी विल वी सेलेक्टिंग इन देखो सेलेक्ट कितने में से करेंगे एक बॉय को सेलेक्ट करेंगे सेवन बॉय में से और इन टू एक, एक चार लड़कियों को किस में से सेलेक्ट करेंगे चार लड़कियों में से तो एक तो वे ये हुआ इसी प्रकार से हम देखो दो बॉय ले लेते हैं यहाँ पे देखो तो लिस्ट की कंडीशन फुल विल होनी चाहिए एट लिस्ट का मतलब है कि वन तो हो दोनों में वन से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन वो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए कि इन दोनों से बनने वाली टीम कितनी की होनी चाहिए फाइव मेंबर्स की होनी चाहिए ये बात है तो ठीक है यहाँ पर टू बॉय है और यहाँ पर क्या आ जाएंगे अब यहाँ पर कितने आ जाएंगे थ्री गर्ल्स आ जाएंगी है ना विल बी ठीक है ये सारा सेम टू सेम अब देखो कितनी आप देखो सेवन में से तो हम टू बॉय ले लेंगे इन टू फोर गर्ल्स में से हम थ्री गर्ल्स ले लेंगे इसी प्रकार यहाँ पे कितने आ जाएंगे थ्री बॉय आ जाएंगे थ्री बॉयज़ ठीक है और यहाँ पे कितनी आ जाएगी टू गर्ल्स है ना टू टू गर्ल्स देखो विल बी ये सब कुछ सेम का सेम अब देखो सेवन में से हम कितने ले लेंगे थ्री बॉयज़ ले लेंगे इन टू यहाँ पर कितना आ जाएगा टू यानी फोर गर्ल्स में से क्या ले लेंगे टू गर्ल्स ले लेंगे इसी प्रकार यहाँ पे कितना ले लेंगे फोर बॉयज ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे गर्ल और विल भी क्या होगा ये सब कुछ सेम टू सेम चलेगी भाषा तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे आएगा फोर यानी कि फोर नहीं यहाँ पे आएगा सेवन सी फोर इन टू फोर सी वन ठीक है इस प्रकार से क्योंकि अब देखो इसके क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखो सिलेक्शन है तो इसमें ऑर्डर मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि यहाँ पे एक एक बॉय एक गर्ल चार गर्ल आ गई तो ये ज़रूरी नहीं कि फोर गर्ल और एक वो भी ले वो परम्यूटेशन में होता है यही बात है बस इतना तो टोटल कितने हो जाएंगे टोटल सेलेक्शन ऑफ टीम इन सबको क्या कर दो आप एड कर दो फोर सी वन फोर सेवन सी वन फोर सी फोर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा सेवन सी टू यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर सी टू यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवन सी थ्री और यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर सी टू ठीक है और एक कौन सा रहेगा नीचे वाला सेवन फोर और इंटू फोर सी वन तो इस प्रकार से हम इसकी क्या निकालते हैं मेनर निकालते हैं ठीक है अब जो अपना अब जो अपना नेक्स्ट वाला जो है वो देखते हैं ठीक है ठीक है अब जो हमारा नेक्स्ट इसी का पार्ट है थर्ड वाला देखते हैं थर्ड वाले में क्या बोला है? अपने को एटमोस्ट बोला है एटलीस्ट यहां पे बोला है एटलीस्ट गर्ल ठीक है तो एटलीस्ट गर्ल के लिए सोल कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं एटलीस्ट थ्री गर्ल्स हैं अपने पास ठीक है थर्ड वाला क्या है अपने पास एटलीस्ट थ्री गर्ल अब देखो इसमें भी हम क्या देखेंगे पॉसिबल केस देखेंगे पॉसिबल केस फॉर एटलीस्ट एटलीस्ट थ्री गर्ल्स है ना एटलीस्ट थ्री गर्ल्स अब देखो पहला जो केस आएगा एट लीस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया कि कम से कम थ्री गर्ल्स तो हो सकती है थ्री हो सकती है फोर हो सकती है और फाइव हो सकती है समझ में आएगी बात तो यहीं से क्या लेंगे थ्री तो हम लेंगे ही देखो थ्री गर्ल्स है ना थ्री गर्ल्स एंड कितने आएंगे टू बॉयज आ जाएंगे ठीक है और यहाँ से वोई विल बी सेलेक्टेड इन किस कितने वे में करेंगे यहाँ पे देखो लड़कियाँ कितनी चार और यहाँ पे कितने आएगा सी थ्री और यहाँ पे लड़के कितने हैं सेवन तो एक मेनर तो ये हो गया ठीक है वेज हो गया ठीक है इसी प्रकार से हमारे पास देखो फोर तो गर्ल्स हैं एंड यहाँ पे कितनी आ जाएंगी फोर गर्ल्स आ जाएंगी तो यहाँ पे एक वन बॉय आ जाएगा ठीक है वन बॉय विल बी सेलेक्टेड इन देखो फोर तो अपने पास गर्ल ही है ना फोर ही है ना अपने पास गर्ल हाँ ठीक है फोर ही है फोर गर्ल्स हैं और इसमें से हमें कितनी चार और यहाँ पे कितना आएगा सेवन में से वन तो वेज आ गए ये ठीक है तो ये क्लियर हुआ है यहाँ पर और इसी प्रकार से यदि हम आगे चलते हैं तो क्या करते हैं तो यहाँ पे देखो टोटल वेज कितने आ जाएंगे टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिंग टीम ठीक है तो यहाँ पे टोटल वे कितने आ जाएंगे इनको सबको जोड़ दो और C2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 C4 फोर प्लस सी ठीक है ये तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो अब देखो यहाँ पे यदि आपके पास देखो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ यदि यहाँ पे फोर्थ वाला केस देख लें एक बार फोर्थ वाले में क्या जाए? एट आ जाए एटमोस्ट आ जाए एटमोस्ट थ्री गर्ल्स उस केस के लिए आप क्या करोगे है? कि आपको इस केस के लिए भी रेडी होना चाहिए कि आपको देखो एटमोस्ट का मतलब पता होना चाहिए ऐसे ही में आपको एक एक्स्ट्रा क्यूशन करा रहा हूं ठीक है यहां से एटमोस्ट क्या हो सकता है एटमोस्ट के लिए क्या है कि यहां पे देखो कंडीशन क्या है एटमोस्ट का मतलब हो गया कि अधिकतम तीन लड़कियां हो सकती है लेकिन अधिकतम कितनी तीन लड़कियां तो हो सकती है और तीन से क्या है कम कितनी भी हो सकती है तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास देखो जो जो बॉयज़ हैं वो टू हैं और गर्ल्स कितनी है थ्री है इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो देखो कितनी आ सकती है यहाँ पे टू आएंगी तो थ्री बॉयज़ आ जाएंगे है ना बॉयज़ कितने आ जाएंगे थ्री और गर्ल्स कितनी आ जाएगी टू इसी प्रकार से यहाँ पर देखो वन गर्ल आ जाएगी तो यहाँ पर फोर बॉयज़ आ जाएंगे ठीक है यहाँ पर बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल इसी प्रकार ये जीरो आते ही यहाँ पे पाँच फाइव क्या हो सकते हैं बॉयज़ भी आ सकते हैं ठीक है ये और यहाँ पे गर्ल्स कितनी आ जाएंगी जीरो ठीक है गर्ल्स कितनी आ जाएंगी जीरो तो यहाँ पे गर्ल्स अब देखो इसके पॉसिबल पहली गर्ल्स हैं फोर सी थ्री सेवन इसके क्या आ जाएंगे सेवन सी टू आ जाएंगे इसी प्रकार से इसके फोर सी टू और यहाँ पे सेवन सी थ्री और यहाँ पे कितने आ जाएंगे फोर सी वन और यहाँ पे कितने आ जाएगा सेवन सी फोर और जैसे यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या आ जाएंगे फोर सी जीरो और सेवन सी फाइव और इनका क्या कर देंगे सबका सम कर देंगे तो ऐटमोस्ट की कंडीशन आ जाएगी ठीक है यानी कि एटमोस्ट का मतलब होता है अधिकतम अधिकतम से नीचे छोटा यानी कि इतना तो है ही है इससे छोटा कितना भी हो सकता है तो लेस देन इक्वल वाला साइन होता है ना वो है तो यहाँ पे वर्डिंग आप लिख लेंगे लेना कि थ्री गर्ल्स एंड टू विल बी सेलेक्टेड इन ए फोर्स जैसे यहाँ पे लिखा ना फोर सी थ्री सेवन सी टू इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ओके अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ने पर अपना क्वेश्चन क्या था ये फाइंडिंग द नंबर ऑफ वर्ड विथ और विथाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड वर्ड कौन सा अगेन है ना यहाँ तक तो हमें देखो वही है कि परम्यू परम्यूटेशन ही निकालना है कितने इन ओल्ड लेटर से हमें क्या निकालना अगेन के कि कितने लेटर कितने ले, इतने लेटर से हम कितने वर्ड बना सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है ठीक है कितने लेटर हैं इसके यहाँ पे थ्री एंड टू फाइव और ए कितने टाइम्स है टू टाइप्स हैं तो यहाँ पे हमें इसको बताना है फिर इसमें देखो डिक्शनरी में जाना है और वहाँ पे इसका फिफ्टी टर्म अपने को बताना है ठीक है तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं ना सॉल्यूशन में तो हम क्या करेंगे टोटल अपने पास वर्ड देखेंगे ठीक है तो यहां पे देखो पहले हम वर्ड को देखते हैं तो अगेन वर्ड है अगेन वर्ड है ना अगेन वर्ड में देखेंगे तो देखो टू कित टू टू तो एस है और एंड और अदर लेटर्स क्या है डिफरेंट है ठीक अदर लेटर क्या होंगे डिफरेंट सो यहां पे क्या लिखेंगे पॉसिबल पॉसिबल अरेंजमेंट है ना पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ अगेन वर्ड इक्वस टू कितने होंगे वही कि यहाँ पे देखो फाइव तो है ही है तीन दो पाँच वर्ड हैं और यहाँ पे देखो टू का फैक्टोरियल हो रहा है यहाँ पे इसका कितना होगा 120 वन ट्वेंटी इसका टू हो गया तो सिक्सटी वर्ड एंड टोटल हमें कितने सिक्सटी वर्ड मिल सकते हैं इससे अब देखो कि अब आती है डिक्शनरी की प्रॉब्लम ठीक है तो आपको जैसे डिक्शनरी क्या होती है डिक्शनरी अपनी जो अल्फ़ाबेट का क्रम होता है ना ए बी सी डी तो उस प्रकार से अपनी क्या होती है डिक्शनरी बनती है तो यहाँ पे हम ऐसे पॉसिबल केस लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये क्वेश्चन में सोल्व कराऊंगा आपको पता चलेगा कि हम डिक्शनरी प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं ठीक है तो सेकेंड इसी का पार्ट है अपना कि जब भी हम क्या करेंगे डिक्शनरी करेंगे तो अल्फ़ाबेट यानी पहले से स्टार्ट होंगे हम ठीक है तो यहाँ से देखने पे अपने पास देखो फोर लेटर है फाइव लेटर्स है यहाँ पे है ना ये तो यहाँ पे देखो पहला जो ए बी सी डी में आता है वो ए आता है ठीक है यहाँ पे ए अब देखो कि ए के भरने के यहाँ पे कितने तरीके हैं यानी कि ए तो अपना फिक्स हो गया क्योंकि ए बी सी डी में जो पहला जो अक्षर आता है क्योंकि हम जब वर्ड बनाते हैं तो यहाँ से लिखते हैं है ना और ए डिक्शनरी में पहले ए आता है तो ए से इधर स्टार्ट करेंगे अब देखो रिमेनिंग इधर कितना बच गया फोर बच गए यानी नी फोर है अपने पास कितने यानी अपने पास उधर कितने हैं फोर ही हैं और इधर भी कितने हैं फोर ही है ठीक है तो फोर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें एम क्या करेंगे एट ए टाइम कितने ओल लेटर्स को कितने टाइम हम यहाँ पे कर फिल कर पाएंगे वो आएगा यहाँ पे फोर का फैक्टोरियल और यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट अपना रिपीटेड है देखो तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचे आप तो ये देख लो कि एक तो ए बच गया एक जी बच गया एक आई बच गया और एक एन बच गया तो यहाँ पे देखो एक ए आ गया लेकिन एक ए यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं है वो ए की यहाँ पे काउंट होता है ठीक है तो यहाँ पे फोर का फैक्टोरियल बच गया ठीक है तो इसी प्रकार से जब हम देखो सेकंड में जाएंगे देखो मैं आपको थोड़ा अपने को यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली आपको समझा दूंगा फिर थ्योरीटिकली हम लिख लेंगे ठीक है यहाँ पर देखो इसके वे कितने हो गए ट्वेंटी ठीक है अब इसी में देखो यदि अपने पास देखो दूसरा ए बी सी डी के अंदर यदि दूसरा अक्षर यानी कि ए बी सी डी तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है जी आ रहा है ना अपना जी आएगा सेकेंड नंबर पे देखो जी अब यहाँ पे देखो फोर प्लेसिस है फोर प्लेसिस को कितने ऑब्जेक्ट है फोर प्लेस को भरने के लिए अपने पास फोर प्ले फोर ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है थीका? तो एट ए टाइम फोर है अपने फोर लेटर्स काम में लेने हैं ना तो यहाँ पे अगेन में क्या बचा ए ए बचा आई और एन बचा तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा फोर में टू का फैक्टोरियल आगे बात समझ में वो कैसे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ए का रिपीटिशन टू टाइम्स हो रहा है ठीक है इसके बाद में आपके पास क्या आएगा इसके बाद में आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आएगा जी जी के बाद में क्या होता आई ठीक है आई आ जाएगा आई को भी क्या लिख सकते हैं वही सेम कि ए ए जी आई बचा आई तो यहाँ आ गया ना तो यहाँ पे क्या बचेगा एन आएगा एन तो इसको भी कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल ये ये हमने लिख सका है कि दो यदि रिपीटेड हैं उनके परम्यूटेशन को इस तरीके से हम लिखते हैं सिमिलर वे यदि यहाँ पे देखोगे तो आप कितने आ गए आपके पास 24 फोर आ गए प्लस इनको जब को जोड़ते जाएंगे हम ठीक है तो यहाँ से देखो वर्ड कितना आ गया फोर्टी ए टोटल ठीक है अब देखो एन वाला वर्ड देखते हैं हम एन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से ठीक है एन को जैसे ही यहाँ तक टोटल हो गए कितने फोर्टी एट ठीक है जैसे हम एन को स्टार्ट करते हैं ना एन को एन को स्टार्ट करते ही क्या हो जाता है अपना यहाँ पे इससे ज़्यादा चले जाते हैं अब इसको पहले ही अपने को रोकना है ठीक है एन से स्टार्ट होते ही फिर ए बी सी डी में आओ आप कि पहले अपने ए बी सी डी में क्या आएगा ए आएगा फिर ए आएगा है ना फिर ए के बाद में क्या आता है आई आता है और आई के बाद में पहले जी एच आई पहले जी आएगा ठीक है पहले जी आएगा फिर इसके बाद में क्या आएगा आई आएगा इस प्रकार से तो ये अपना कौन सा वर्ड बन रहा है फोर्टी नाइन ठीक है अब इसका फिफ्टी थवा टर्म देखना है फिफ्टी थवा टर्म क्या होगा वही एन सी स्टार्ट होगा देखो एन एन से स्टार्ट हो रहा है ना फिर ए ए फिर कितना आएगा जी के बाद में कौन सा ए बी सी डी का टर्म आता है आई और फिर वापस से जे तो इस प्रकार से हमारे पास देखो कौन सा टर्म आता है यानी आई आई के बाद में क्या आता है जे ठीक है जी जी आई ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिफ्टी एट टर्म आ जाएगा ये तो इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है इस प्रकार से हमें सोल्व करना है अब थ्योरिटिकली क्या लिखते हैं कि हमें देखो ए अपने को री अरेंज करना है तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे ए को फिक्स करते ही रिमेनिंग जो लेटर्स बचेंगे फ़ोर लेटर बचेंगे और उनको कितने उनके फोर प्लेस पे बढ़ना है एट ए टाइम पे ठीक है तो यहाँ से देखो क्या आएगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे लिख लो यहां पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या करेंगे हम कि ए ए इज द फर्स्ट ये अपनी क्या होगी फर्स्ट पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन होगी इन लेफ्ट साइड है ना लेफ्ट साइड के अंदर देखो वर्ड बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में होगी ठीक है एंड है ना फिक्स होगी सो so, तो रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग लेटर होंगे लेटर कैन बी रीअरेंज्ड यहाँ पे कैन बी रीअरेंज्डमेंट रिअरेंज्ड रीअरेंज्ड है ना रीअरेंज्ड करेंगे किस में जो अपने पास फोर जो लेटर्स हैं उनको किस में कर देंगे फोर के फैक्टोरियल में कर देंगे सो so, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल टोटल परम्यूटेशन परम्यूटेशन वेन ए ज फिक्स्ड, ए फिक्स्ड होगा तो क्या आएंगे टोटल परम्यूटेशन आ जाएंगे फोर एक तो ये आ जाएगा ठीक है अगेन वही सेम सिमिलरली सिमिलरली हम क्या करेंगे जब स्टार्ट करेंगे किससे जी से वी स्टार्ट जी देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे फोर का अपॉन अपॉइंटमेंट टू ठीक है और यहाँ पे भी देखो सिमिलर वे से हम इधर भी क्या लिखेंगे जब अपने पास देखो क्या आई से स्टार्ट करेंगे तब भी क्या आएगा फोर देखो आई से स्टार्ट करेंगे तब भी फोर का फैक्टोरियल अपॉइंटमेंट टू आएगा ठीक है और यहाँ से जब हम किसके साथ जी और आई आ गया अब देखो यहाँ तक तो अपने कितने आ गए फोर्टी एट टर्म आ गए यानी ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व है है ना 12 है प्लस 12 है तो यहाँ तक कितने आ गए 48 टर्म्स 48 वर्ड्स अब देखो इससे आगे हमें वर्ड चाहिए तो यदि एन वा लेंगे ना ऐसे रीअरेंजमेंट करके तो वो ज़्यादा जाएगा बट इस तक यहाँ तक पहुँचते ही देखो इसके बाद में हम एन से स्टार्ट करेंगे और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आएंगे डिक्शनरी में पहले ए आता है तो ए फिर आता है क्या एक के बाद में आता इसके बाद में आएगा जी जी के बाद में आता आई तो ये अपना कौन सा वर्ड आया फोर्टी नाइन्थ टर्म अपने को फिफ्टी टर्म चाहिए ना तो जी देखो एन तो ऐसा का ऐसा क्योंकि एन से तो स्टार्ट करना है फिर ए ए ऐसा का ऐसा फिर देखो जी के बाद में कौन सा आता आई है ना जी एच आई है ना आई आए आएगा आए और फिर अगेन जी ये तो ये जो शब्द आएगा वो अपना क्या आएगा फिफ्टी टर्म आएगी वर्ड आएगा ठीक है इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम हम देखते हैं कौन सा है देखो ये वाला है अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो आपको देखो यहां पे देखो क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन टू वन कितना है हंड्रेड एंड टेन लाख कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम यूजिंग द डिजिट वन टू ये वाली जो डिजिट है वो यूज़ करके हम वन यानी कि टेन लाख से अबव कितनी इंट्रीज हम बना सकते हैं यहाँ पे ठीक है ये हमें सीखना है यहाँ पे तो यहाँ से देखो कि आपके पास में देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती किसी भी नंबर को स्टार्ट करने की है ना तो आप एक तो वो तरीका अपना सकते हो ठीक है कि यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आप देख लो कि स्टार्ट करने की कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि कभी भी यहाँ पे जो इसका जो ये वाला टर्म है ना जैसे कितनी का है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो तो ये देखो सेवन टर्म्स हैं यहाँ पे और यहां से देखो इनको फिल करने के तरीके अपने को पूछ रहे हैं ठीक है थीका? ठीक है पूछ रहा है लेकिन एक तरीका तो ये है कि हम इन टोटल का क्या कर लें परम्यूटेशन निकाल लें और एक यहाँ पे देखो जैसे हम इसको जीरो देंगे ना यहाँ पे तो जीरो देते हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी लेस देन हो जाएंगी तो टोटल जो अपने पास क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे वी जब हम परम्यूटेशन निकालेंगे कितने सिक्स नंबर्स सेवन नंबर्स है ना अपने पास सेवन है सेवन का थ्री सेवन का सेवन में तो सेवन का सेवन में सेवन का फैक्टोरियल आएगा और उसमें से हम क्या करेंगे जो अपने पास देखो ये जीरो हो गई ना उनको जीरो को फिक्स करेंगे तो कितने टर्म्स बचे सिक्स और सिक्स में से सिक्स का फैक्टोरियल तो वहाँ से भी आ सकता है एक तो ये तरीका है, है ना सेकेंड जो तरीका है वो हम ये करेंगे कि इसको क्या करेंगे वन से स्टार्ट करेंगे जब हम वन को फिक्स कर देंगे तो इसके पास देखो कितने तरीके आएंगे वो देखो जब हम इसको वन से स्टार्ट करते हैं तो टोटल तो अपने पास सिक्स नंबर्स हैं अब देखो कि इनमें रिपीटेशन कितना है देखो टू है वो कितनी टाइम्स हैं टू है वो कितनी टाइम्स है थ्री टाइम्स ठीक है और यहाँ पे देखो फोर कितनी टाइम्स है टू टाइम्स है ठीक है तो हो गए ना पूरे कितनी टाइम्स है तीन और हाँ ठीक है और जीरो हाँ सही है सात नंबर हो गए क्योंकि एक क्या हो गया अपना जीरो और यहाँ पर आ गया एक वन ठीक है जैसे ही हम इसको वन से स्टार्ट करते हैं तो नीचे देखो कितने रिपीट होंगे थ्री का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल आ गई बात समझ में इसी प्रकार से जब हम इसको देखो टू से स्टार्ट करेंगे सिमिलर देखो टू यहाँ पे एक ही फिक्स करना है जब भी हम टू से तो देखो टू से स्टार्ट होते एक से तो बड़ा हो ही गया ना ये बात है ठीक है और यहाँ से देखो टू से जैसे हम स्टार्ट करेंगे वो कैसे आएगा टू से स्टार्ट करने पर देखो यहाँ पर देखो सिक्स तो रहेगा टू तो फिक्स हो गया है यहाँ पर है ना यानी कि जो लाख जो कि टेन लाख का जो प्लेस है वहाँ पे यदि हम क्या रखते हैं टू रखते हैं तो वो तो फिक्स हो गया है ना इसलिए और यहाँ पे कितना जगह थ्री का देखो थ्री अब अब नहीं आएगा थ्री अब देखो यहाँ पे देखो कितनी टाइम्स है टू कितने टाइम्स था थ्री तो यहाँ पे आएगा टू टाइम्स और यहाँ पे थ्री कितने टाइम्स था थ्री कितने टाइम्स था टू टाइम्स ये आएगा टू टाइम्स ठीक है एक तो ये सेकेंडली हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे थर्ड है अब जब हम तीन यानी तीन से स्टार्ट करेंगे ती, तीन तो नहीं है यहाँ पे फोर है ठीक है जब हम इसको फोर से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा अपना फोर से स्टार्ट करेंगे तो वही फिक्स तो सिक्स है और यहाँ पे देखेंगे फोर फोर कितने टाइम से टू तो एक तो यहाँ आ गया तो ये तो हो गया कम यहाँ पे वन का फैक्टोरियल और टू कितने आ गया थ्री का फैक्टोरियल तो इस प्रकार से जब हम इनका क्या करेंगे टोटलिंग कर देंगे तो ये क्या आएंगे इनके पूरे टर्म्स आ जाएंगे ठीक है ये देखो पूरा वर्क तो पूरा हो रहा है ना अपना मल्टीप्लीकेशन रूल से कर लेंगे इसको तो ये वर्क पूरा ये वर्क पूरा ये पूरा वर्क तो इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखो टोटल पॉसिबल टोटल पॉसिबल परम्यूटेशंस क्या होंगे टोटल परम्यूटेशंस कितने हैं इसके यानी कि सिक्स परम्यूटेशंस सिक्स अपॉन में टू और यहाँ पे थ्री ठीक है प्लस यहाँ पे कितना है सिक्स का टू टू और टू प्लस यहाँ पे देखो फ़ोर से जब भी स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा वन और थ्री तो ये ठीक है ये अपने पास देखो टू से स्टार्ट करने पर है ये कितने से है फोर से स्टार्ट करने पर है ना और ये कितना है वन से स्टार्ट करने पर आप बोलोगे सर वन से स्टार्ट होने पर यदि आप देखो यहाँ पे यदि हम वन लेते हैं ना सपोज़ यहाँ पे आप वन लेते हो तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है यदि जीरो जीरो आएगा ना तभी आएगा लेकिन इससे तो हमें ग्रेटर देन ही देखनी है तो जीरो नहीं लेंगे इसका तो हमें दिया हुआ है तो ये तो अपने कलेक्शन में नहीं आएगा इससे बड़ा देखना है ना अपने को तो ठीक है ना इसलिए तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वन और टू इनको सबका सम कर दो वर्डिंग आप लिख लेना कि इफ़ वी स्टार्ट योर फर्स्ट पोजीशन यानी टेन लाख प्लेस विल बी रिप्लेस बाय वन देन इट द तो टोटल नंबर ऑफ वेज दिस एंड टू से स्टार्ट करने पर हम क्या करेंगे राइट पोजिशन लेफ्ट पोजिशन को टू से स्टार्ट करने पर क्या आएगा सिक्स अपॉन में टू का फैक्टोरियल इस प्रकार से इसका टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा अपने पास और ये है और इसी में यदि आप अल्टरनेट मेथड निकालना चाहते हो तो अल्टरनेट जो दूसरा जो मेथड है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं वो क्या है वो ये है और यहां पे क्या होगा ये तो यहां पे देखो टोटली totally क्या होगा कि जैसे हमारे पास देखो कि वी हैव परम्यूटेशन क्या परम्यूटेशन क्या होंगे कि सेवन डिजिट टेकिंग टेकिंग सेवन एट ए टाइम ठीक है तो वो कितने आ जाएंगे सेवन पी और सेवन तो यहाँ से सेवन का फैक्टोरियल आ जाएगा नहीं वो सेवन का फैक्टोरियल सॉरी सॉरी ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम लेंगे ना तो वो कितना होगा आपको पता है वो आपको पता है कि सेवन का फैक्टोरियल अपॉन में थ्री का और टू का और सभी क्या हैं वन वन और वन वन है है ना तो इस प्रकार से और इसमें क्या होंगे इन इन दीज इन दीज नंबर्स यानी कि यहाँ पे क्या होंगी कि इन दीज नंबर विल बी इंक्लूडेड नंबर है ना इंक्लूडेड नंबर वेयर यहां पे क्या होगा टेंथ लेक्स प्लेस है ना विल बी जीरो देन लाइक कैसे नंबर्स होंगे कैसे नंबर्स होंगे अपने पास जैसे कि जीरो और फिर उसके बाद में वन टू थ्री फोर यानी वन टू थ्री तो नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक ये टर्म्स कितने भी दे लो आप क्या लोगे यानी टू टू ले लो फोर फोर ले लो और यहाँ पे क्या आ जाएंगे जीरो तो आएगा नहीं ना जीरो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो यहाँ पे देखो वन भी है ना अपने पास वन वन इस प्रकार से तो ये टर्म आ जाएंगी तो ये कितनी टर्म्स हैं ये सिक्स ये कितनी है सिक्स है अपने पास ठीक है मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ आपके लिए तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स क्या होंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखो क्या आएंगे यहाँ पे आएंगे अपने पास जैसे कि जीरो आ गया और ये क्या हो गया टू टू फोर फोर वन वन इस प्रकार के नंबर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे देखो जीरो देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे है ना तो इस पोजीशन ये वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए तो इनके जो टोटल नंबर्स होंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ permutations कितने होंगे वो होंगे अपने पास देखो प्लेसिस तो कितने होंगे सिक्स और उसी में से देखो उनके कितने होंगे जीरो से स्टार्ट है ना तो यहाँ पे कितना आएगा सिक्स और यहाँ पे कितने रिपीटेड होंगे सेम थ्री और टू वन होंगे और वन होंगे अब इनको क्या कर देंगे सपरेट कर देंगे तो सप्रेट किस में से कर देंगे ये जो आए ना सेवन माइनस सिक्स थ्री और टू इस प्रकार से ये एक इसका सेकेंड मेथड है है ना जो आपको अच्छा लगे वो मेथड कर लेना ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नहीं आई क्या अभी तक नहीं आई कोई दिक्कत नहीं देखो तो एक ये लास्ट वन क्वेश्चन है अपने पास है ना इसका एग्जाम्पल का वो क्या ट्वेंटी फोर है इन विच हाउ मेनी वेज कैन यू फाइव गर्ल्स एंड थ्री बॉयज सिटेड इन ए रो कि नो no टू बॉय आर टुगेदर यानी कि यहाँ पे दो बॉय कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं टुगेदर नहीं हो सकते हैं तो देखो यहाँ पे देखो पहले जो कंडीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है टू बॉयज पे दे रखी है जो कंडीशन हमें दी हुई है ना उसको बाद में फिल करते हैं पहले हम क्या करते हैं कि पहले हमें गर्ल्स है ना तो फाइव गर्ल्स को पहले हम क्या करते हैं उनको बिठाते हैं देखो गर्ल्स को बिठाते हैं ना तो पहली गर्ल्स सीवन और यहाँ पे ये अब देखो इनके बीच में अब देखो इनके बीच में हमारे क्या बैठेंगे बॉयज बैठ जाएंगे ऐसे ठीक है तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो कि अपने पास देखो लड़कों को बिठाने की कितनी पॉसिबिलिटी आ गई कि जहाँ पे दो लड़के एक साथ नहीं बैठ पा रहे समझ में आ गई क्या बात इसलिए तो यहां पे देखो सिक्स और सिक्स तो पॉसिबिलिटी आ गई कि इनकी लड़कों और लड़कियों को तो हम सीधे क्या बिठा सकते हैं पहली बार बिठा रहे हैं तो फाइव का फैक्टोरियल करा सकते हैं ठीक है तो इसमें देखो क्या आया हेयर हेयर फर्स्टली वी फर्स्ट वी सीटेड गर्ल्स इन रो इन कितने वे में फाइव फैक्टोरियल में तो वो फाइव फैक्टोरियल में आ गए देन वी यहाँ से जब हम देखते हैं तो वी वी कैन सी दैट कि यहाँ पे कितने प्लेस हैं यहाँ पे कितने प्लेस खाली हैं यहाँ पे देखेंगे तो सिक्स सिक्स प्लेस एम टी फोर कितने गर्ल्स हैं एम टी फोर कितने थ्री बॉयज फोर थ्री बॉयज थ्री बॉयज सो पॉसिबल वेज फॉर सीटिंग सीटिंग थ्री बॉयज़ इन सिक्स प्लेस तो यहां से क्या आएंगे यहां पे टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा सिक्स पी थ्री ठीक है ये आ जाएगा तो यहां पे इनका तो टोटल पॉसिबल तो क्या आएंगे यहां पे इनको मल्टीप्लाई करा देंगे मल्टीपल रूल से क्योंकि फाइव और यहां पे क्या आ जाएगा सिक्स पी थ्री ठीक है अब यहां पे हम अपने एग्जांपल्स होते हैं खत्म अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में अब हमारा देखो पहला जो पहला जो क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज का वो हम सोल्व करते हैं देखो डॉक्टर शब्द से हमें क्या करना है कि हाउ मैनी वर्ड और विथाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फॉरमेट फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड ऑफ डॉटर यानी कि मैंने ये देखो आपको यहाँ पे क्या कराऊँगा देखो अब मैं ये क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में सोल्व किया हुआ है ठीक है डोटर शब्द में वोवल कितने हैं वो देखो वोवल्स इन वर्ड तो वोवल्स इन वर्ड कितने हैं ए है यू है, है और कितना है यहाँ पे आ गया ई e. ठीक है यही है ना ए यू ई ठीक है और कॉन्सोनेंट्स कितने कॉन्सोनेंट कितने हैं कि डी जी एच टी आर कितने गए फाइव आ गए ठीक है अब देखो मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है देखो इनमें यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को सेलेक्ट करने हैं ठीक है सेलेक्ट करने के वे कितने अपने को ये देखो टू तो वोवल लेने हैं वोवल किसमें से इसमें से लेने हैं तो थ्री तो अपने पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट्स उसमें से कितने लेने हैं टू तो टू सी टू और मल्टीप्लाई करा दो एंड लगा हुआ है ना कौनसोन कितने ऑब्जेक्ट कितने हो गए फाइव और उनको कितनी कितने सेलेक्ट करने अपने को थ्री और देखो इनका क्या करना है टोटल का क्या करना परम्यूटेशन निकालना है तो हमें पता है कि ये कितने होते हैं जितने ये, ये आर होते हैं ना टू प्लस थ्री तो ये कितने होते हैं फाइव तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को टोटल परम्यूटेशन इस प्रकार से निकालेंगे ठीक है तो आपको इसकी देखो लिखने का यही है कि आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि यहाँ पे पॉसिबल यहां पे क्या होगा पॉसिबल केस ऑफ सेलेक्टिंग क्या सेलेक्टिंग टू वोवल्स एंड क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट के क्या होंगे कि हमारे पास देखो कितने हैं टू टू वोवल्स क्या होंगे टू two vowels, two vowels can बी सेलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से आएंगे थ्री वोवल्स है एंड यहाँ पे देखो कौनसोन कितने चाहिए वही थ्री कौनसोनेट्स देखो यहाँ पे एंड लिख देता हूँ मैं <laughs> तो यहाँ पे थ्री कितने आएंगे थ्री कॉन्सोनेंट्स कैन भी सेलेक्टेड फ्रॉम कितने हैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने फाइव है न फाइव कॉन्सोनेट्स ठीक है तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे वही यहाँ से ये ये वाला यहाँ पर पे पेस्ट कर दूँ थ्री सी टू है ना और यहाँ पर फाइव सी थ्री अब अपने को क्या करना टोटल परम्यूटेशन निकालने न टोटल परम्यूटेशन टोटल परम्यूटेशन कितने आ जाएंगे अपने पास थ्री सी टू फाइव सी थ्री और आर से क्या कर देंगे इसको परम्यूटेट कर देंगे तो ये आ गया अपना परम्यूटेशन ठीक है अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं ठीक है यहीं से आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड विथआउट और विथ इन मीनिंग कैन बी फॉर्मेट यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट यानी कि सो दैट सो दैट वोवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर अपने पास ये बात है कि यहाँ पे कितने सारे वर्ड ले लो आप एक साथ में ठीक है तो आप ये बता दो कि यहाँ पे जो अपने पास जो इक्वेशंस वर्ड है उसमें देखो तो वोवल टुगेदर हैं और इसके अंदर कॉन्सोनेंट टुगेदर है ठीक है तो यहाँ से सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि क्या है गिवन है गिवन क्या है गिवन है कि वोवल्स एंड कॉन्सोनेट्स वोवल्स एंड कॉन्सोनेट क्या है टूगेदर है ना अकर टूगेदर ठीक है इनको दोनों को एक साथ क्या अपने को अकर है टूगेदर अकर हो रहे हैं तो यहां पर देखेंगे तो देखो वोवल्स कितने आ रहे हैं अपने पास वोवल्स कितने हैं इसमें इक्वेशन में ए है यू है ए है आई है ओ है यही है ना यहाँ कितने, e, कितने हो गए ई ए आई ओ पाँच हो गए ना और कॉन्सोनेंट कितने हो गए कॉन्सोनेंट हो गए अपने पास क्यू और यहाँ पे क्या आ गया टी और यहाँ पे क्या आ गया एन तो देखो एट नंबर्स का अक्स यानी वर्ड है और उसमें ये कॉन्सोनेंट है ये आगे कॉन्सोनेंट्स ठीक है अब देखेंगे तो आगे क्या करेंगे उनको हमें अपने को अरेंजमेंट करना है टोटल अरेंजमेंट करना है और इन्होंने बोला है कि इनको क्या लेना है दोनों को एक तो ये एक आ गया इन दो इसको भी एक मानना है सॉरी देखो यहाँ पे ये एक है और ये एक है तो टोटल कितने हो गए ये टोटल ये टोटल हो गए टू टू है ना ये टू हो गए अभी ये देखो इस टू का भी बड़ा काम आएगा यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए टू अपने पास क्या होंगे कि अपने पास एन ऑब्जेक्ट होते हैं उसी प्रकार से आर एट ए टाइम लेते हैं उसी प्रकार टू एट ए टाइम लेना है तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो कि टोटल परम्यूटेशन ठीक है यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ कि टेक ऑल द एट ए टाइम है ना ये वाला वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑफ द इक्वेशन ठीक है तो यहां से देखो अब देखो यहाँ पे इनको तो एक मान लिया है ना अब लेकिन अब देखो ये अंदर ही अंदर कितनी तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं थ्री ये तो फाइव तरीके से हो सकता है ये तो क्या हो सकता है फाइव तरीके से हो सकता है, है ना और इसको और ये जो कॉन्सोनेंट है उनको कितनी तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं थ्री के फैक्टोरियल के तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं और इन दोनों को देखो एक मान लिया ना तो ये समझ लो एक ए है और ये एक बी है यदि परम्यूटेशन कर रहे हैं तो ए एक तो ए बी हो गया और एक बी ए हो गया तो इस प्रकार से हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं टू के फैक्टोरियल से लिख सकते हैं तो इस प्रकार से टोटल कितने आ गए वो आ गए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वर्डिंग में आपको खुद को लिखने ही आनी चाहिए ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं वी यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन वी कैन बी परम्यूटेट है ना परम्यूटेट ऑल वोवल्स इन फाइव फैक्टोरियल वेज है ना एंड क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको इस लाइन को ही बस ओनली इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं वे एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं एंड वोवल्स वोवल्स तो आ गए ना एंड कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स इन थ्री फैक्टोरियल ठीक है ये आ गए इस प्रकार से और टोटल को कितने से कर सकते हैं हम इन दोनों को वोवल एंड कॉन्सोनेंट को वी कैन अरेंज इन टू फैक्टर्स का फैक्टोरियल सो so, यहाँ से हम इस प्रकार से कर सकते हैं ठीक है ये अपना मैंने आपको ये बासा थोड़ी दी है लेकिन इस प्रकार से मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है ठीक है अब हम आगे चलते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमने देखो एग्जाम्पल्स हमने सोल्व कर लिए हैं ठीक है ठीका? अच्छी तरीके से मैंने सोल्व करवाए मैं आपको केस बताऊंगा आपको उनको आपको समझना है और उनकी थ्योरी आपको लिखनी है ठीक है ये तो पहले देखो पहला क्या एग्जैक्ट थ्री गर्ल्स यानी उसने बोला कि उसके पास तो ओनली एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए थ्री गर्ल्स ही होनी चाहिए तो पहली क्या हो जाएगी एग्जैक्ट थ्री गर्ल्स एंड विल बी है ना यहाँ पे तो देखो अपने को यहाँ पे तो ये है पहले देखो कमेटी कितने की बनानी है अपने को सेवन की कमेटी बनानी है तो कमेटी तो कितनी आएगी सेवन पर्सनस की आएगी और यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं नाइन है और यहाँ पे गर्ल्स कितनी है फोर है है हाँ ना तो गर्ल्स है वो फोर है ठीक है और अपने को यहाँ पे देखो कमेटी अपने को कंसिस्ट करनी है पहला क्वेश्चन आ गया एग्जैक्टली exactly थ्री कमेटी बनेगी थ्री की तो देखो एग्जैक्ट यहां पे फर्स्ट आ जाएगा कलेक्स यहां पे देखो पॉसिबल केस फॉर सिलेक्शन ऑफ कमेटी ठीक है अब गिव बाय फर्स्ट कंडीशन ठीक है इससे तो यहां पे क्या आएंगी एग्जैक्ट थ्री गर्ल्स है तो एग्जैक्ट थ्री गर्ल्स एंड यहां पे क्या आएगी तो अपने को नाइन का क्या चाहिए अपने को देखो सेवन की कमेटी चाहिए तो थ्री आ गए तो फोर तो कहीं क्या होंगे बॉयज़ ही होंगे और विल बी सेलेक्टेड इन सेलेक्टेड किसमें करेंगे हम इसको कि यहाँ कितने कितनी कि थ्री बॉयज़ आ गए तो गर्ल्स तो कितनी है फोर और यहाँ पे थ्री में से सेलेक्ट हो जाएंगी इन टू और यहाँ पे कितनी है फोर बॉयज है बॉयज कितने नाइन तो नाइन बॉयज किस में से आ जाएंगे फोर गर्ल्स यहाँ से तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएंगे टोटल टोटल सेलेक्शन ठीक है टोटल सेलेक्शन ऑफ कमेटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फोर सी थ्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइन सी फोर अब देखो मैं आपको सभी के देखो केस बता दूंगा आपको लिखने हैं सारे के सारे ठीक है अब देखो मैं शॉर्टकट चलने वाला हूँ यहाँ से देखो एटलीस्ट थ्री गर्ल्स इसके लिए आ जाओ सभी तैयार हो तो देखो यहाँ पे थ्री गर्ल्स आई हुई हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट हमें क्या चाहिए थ्री गर्ल्स चाहिए ना तो यहाँ पे एटलीस्ट लीस्ट थ्री गर्ल्स तो यहाँ पे एटलीस्ट थ्री गर्ल्स ये तो अपने पास देखो थ्री तो गर्ल्स और अपने पास बॉयज़ कितने होंगे फिर कमेटी में फोर फिर यहाँ पे कितने हो सकते हैं फोर गर्ल्स होंगी तो कमेटी में बॉयज़ कितने हो जाएंगे तीन ये तीन ही पॉसिबिलिटी आएंगी क्यों आएंगी क्योंकि यदि आप देखो पाँच लेने के लिए जाओगे तो आपके पास लड़कियाँ पाँच है ही नहीं लड़कियाँ पाँच है ही नहीं पाँच तो लड़कियाँ तो चार है तो पाँच कैसे ले सकते हो आप हैं तो ये ये वाला नहीं होगा देखो फाइव और यहाँ पे कितना आ जाएगा टू ये वाला नहीं होगा क्योंकि फ़ाइव अपने पास लड़कियाँ ही है नहीं हैं तो इसके देखो चॉइस कितनी हो जाएगी देखो यहाँ पे लड़कियाँ हैं ना लड़कियाँ है कितनी हैं फोर फ़ोर सी थ्री इन टू यहाँ पर कितने आ जाएगा नाइन सी फोर और इसके लिए क्या आ जाएगा फ़ोर फोर फोर और यहाँ पर नाइन सी थ्री तो यहाँ से इन दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी अपने पास आ जाएगी थर्ड थर्ड वाला क्या है एटमोस्ट देखो एट मोस्ट मैंने आपको कराया था वहाँ पर एटमोस्ट थ्री गर्ल्स है ना एट मोस्ट कितनी थ्री गर्ल्स तो इसके लिए आपको देखो पॉसिबल केस में बताता हूँ यानी कि पॉसिबल केस क्या होंगे ऐट मोस्ट थ्री है तो यहाँ पे लड़के कितने हो गए चार अब देखो इससे हम ऐटमोस्ट में क्या होता है ऐटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आप ये ध्यान में रखो इसका मतलब ये होता है और यदि एटलीस्ट आता है कहीं पे भी एटलीस्ट का मतलब आता है ग्रेटर देन ये यह आपको ध्यान रखनी है ठीक है ये मोटा मोटा यही ध्यान में रखो अब देखो एट मोस्ट है तो इससे नीचे तीन से नीचा छोटा दो दो लड़कियां आ सकती है तो यहाँ पे पांच बॉयज़ आ सकते हैं यदि एक लड़की आएगी तो यहाँ पे सिक्स बॉयज आ सकते हैं और यदि जीरो बॉयज़ आएंगे तो सेवन लड़के आ जाएंगे इसी प्रकार इसके देखो यहाँ पे चॉइस तो फोर सी थ्री और यहाँ पे कितने आ जाएंगे नाइन सी फोर और यहाँ पे कितने आ जाएंगे फोर सी टू और यहां पे कितना आ जाएगा नाइन फाइव और यहां पे कितने आ जाएंगे फोर सी वन और यहाँ पे, पे क्या आ जाएंगे नाइन सी सिक्स और यहां पे कितना आ जाएगा फोर सी वन फोर सी जीरो क्योंकि जीरो लड़कियाँ है हैं यहाँ पे और इन टू यहाँ से कितना आ जाएगा नाइन सिक्स सेवन ठीक है इस प्रकार से तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पे क्या है एग्जामिनेशन वर्ड है ना देखो ये डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया अपने पास कि यहाँ पे देखो इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर द लिस्ट इन द डिग्री यानी कि ये एग्जामिनेशन जो वर्ड है उसका क्या है अपने पास डिक्शनरी है उसके अंदर क्या है वो यानी कि उसके अंदर लिस्टेड है ठीक है लेटर है है ना हाउ मैनी वर्ड आर दियर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई यानी कि अब यानी कि अपने पास ई वर्ड से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड है वो बताओ ठीक है तो अपने पास देखो एग्जामिनेशन वर्ड है एग्जामिनेशन वर्ड है तो देखो एग्जामिनेशन वर्ड है एग्जामिनेशन वर्ड में टोटल वर्ड तो है कितने टोटल लेटर कितने हैं वो है इलेवन यानी कि यहाँ से थ्री थ्री और थ्री नाइन इलेवन देखो यहाँ पे रिपीटेशन देख लो कितने का है यहाँ पे ए है वो टू टाइम्स है है ना और यहाँ पे और क्या है एन है वो कितना टाइम्स है टू टाइम्स है अदर क्या है अदर क्या है डिफरेंट है अदर क्या हो गया? डिफरेंट है. है तो ये आगे ठीक है तो अब आप आपको क्या है पहले तो अपने पास देखो डिक्शनरी में जैसे आते हैं अल्फाबेट का क्रम जैसे आता है ए आता है बी आता है सी आता है उसी प्रकार से चलना है तो यहाँ से देखो जब हम इसको फर्स्ट पोजीशन देंगे ए तो यहाँ पे देखो आगे के जो जितने भी टेन वर्ड्स हैं यानी टेन लेटर्स हैं उनको कैसे अरेंजमेंट करेंगे उनको अरेंजमेंट करने का तरीका ये है कि टेन और यहाँ पर देखो ए तो एक बार हो गया ना यहाँ पर एक यहाँ पर चला तो टू का फैक्टोरियल समझ में आ गई बात और यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है सो so, यहाँ पे देखो आई भी अपने पास देखो टू टाइम्स है ठीक है ना आई भी अपने पास देखो टू टाइम्स है, इसलिए ये टू का फैक्टोरियल आएगा समझ में आ गई बात अब देखो ई से पहले पूछा है एक के बाद में देखो इस टर्म में कोई भी वर्ड नहीं है कि ई से पहले ए बी सी डी ई आएगा यहाँ तक तो सेकेंड जो वर्ड जब भी स्टार्ट होगा ई आएगा तो ये पूछ रहा है कि ई से पहले कितने वर्ड हैं कितने वर्ड बने हैं फर्स्टली वर्ड स्टार्टिंग विथ ए यानी कि यहाँ से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड बने वो बने ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल वर्ड्स बिफोर बिफोर स्टार्टिंग ई है ना वो कितने हैं टेन के फैक्टोरियल अपॉन में वन का फैक्टोरियल टू का फैक्टोरियल और टू का फैक्टोरियल तो इस प्रकार से हमें ये आंसर बताना है ठीक है क्लियर है सबको और यहाँ पे एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे ए है वो टू टाइम्स है और आई है वो टू टाइम्स है और क्या है और एन है वो भी टू टाइम्स है ठीक है ये तो ये सही है अपना देख लीजिए आप ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक अब अपना फोर्थ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हम चलते हैं फिफ्थ वाले में अब देखो फिफ्थ वाला क्या है अपने पास कि हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेड सिक्स नंबर डिजिट कैन बी फॉर्मेड जीरो वन टू थ्री फाइव सेवन एंड आर डिविजनेबल बाई जीरो है ना ऑफ नो रिपी अब आपको यही बात है कि जो टेन से डिविजनेबल का रूल होता है ना वो अप्लाई करना है बस इतनी बात है तो यहाँ पे कितना है सिक्स डिजिट का है ना ये ये तो देखो सिक्स डिजिट का होते ही यहाँ पे देखो कि अपने को भाई दो टेन का डिविजिबिलिटी रूल रू, रू होता है उसे पता है कि इसका जो यूनिट प्लेस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए तो ये तो ज़ीरो ही होना चाहिए ये तो हमें पता ही है इसका मतलब ये तो फ़िक्स हो गया है कि ये तो किसी और जगह पर आ ही नहीं सकता रिपीटेशन हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये तो फ़िक्स है पीछे इसने कितने प्लेस छोड़ दिए अपने पास इसके पीछे देखो इसके पीछे देखो वर्डिंग कितनी है अपने पास डिजिट कितने हैं तीन और छः यानी सिक्स डिजिट है अपने पास ठीक है सिक्स तो डिजिट है जिसमें से ज़ीरो तो अपना फिक्स हो गया अब यहाँ पे देखो कितने नंबर्स रह गए फाइव और फाइव भी अपने पास प्लेस है तो कितने बचे फाइव का फैक्टोरियल अपॉन में फ़ाइव तो यहाँ से कितना आएगा गया फाइव का फैक्टोरियल तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर बनेंगे 120 अब आपको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना है तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो है ना है ना लैंग्वेज में क्या लिखोगे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो बाई द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यहां से rule of divisible the rule of divisibility of 10 where where unit place became zero so over सो ओवर यूनिट प्लेस परम्यूटेशन वे इज इक्वल टू वन यहाँ का परम्यूटेशन वे सो देन देखो यहाँ पे देन देन रिमेनिंग फाइव फाइव डिजिट कैन बी रीअरेंजमेंट इन फाइव का फैक्टोरियल सो मल्टीपल रूल ऑफ काउंटिंग टू फाइव का फैक्टोरियल इन टू वन तो यहाँ से कितना जाएगा वन ट्वेंटी तो यहाँ से यह वन ट्वेंटी अपने पास आंसर आता है ठीक है यहां तक अपने फाइव क्वेश्चन कंप्लीट हुए अब अपने आओ किसके पास में इंग्लिश तो यहाँ पे देखो द इंग्लिश एल्फाबेट हैज फाइव वोवल्स ट्वेंटी कॉन्सोनेंट्स हाउ मेनी वर्ड टू डिफरेंट वोवल्स यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि टू डिफरेंट वोवल्स है ना और यहाँ पे क्या बोला है टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम द एल्फ़ाबेट्स ठीक है तो यहाँ से देखो ये उसका देखो उस, क्या है कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम एल्फ़ाबेट्स ठीक है तो हम यहाँ से कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट तो क्या होने चाहिए वोवल होने चाहिए दो ही डिफरेंट क्या होने चाहिए कॉन्सोनेंट होने चाहिए ये मैंने आपको करवा दिया है कि यहाँ से देखो टोटल तो आपको पाँच पहले तो सेलेक्ट कर लो इनको तो सेलेक्ट करने के लिए देखो फाइव तो वोवल है तो फाइव वोवल्स में तो कितने ले लेंगे टू डिफ़रेंट वोवल्स इन टू यहाँ पर देखो टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट है तो इक्कीस क्या है कॉन्सोनेंट है और उनको हम कितनी तरीके से अरेंजमेंट करा देंगे फोर तरीके से अरेंजमेंट करा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया अब आपको वर्डिंग आपको लिखना आना चाहिए कि मैंने एग्जाम्पल में भी आपको लिखवाया है तो आप ये लिख लेना कि हाँ भाई ऐसा होता है ऐसा होता नहीं है होता ही है इसलिए ठीक है तो मैंने आपको देखो वर्डिंग आपको करवाई है ठीक है तो और भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो है ना कला तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ से अपना क्या आएगा सेवन्थ वाला क्वेश्चन है सेवन्थ वाले क्वेश्चन में भी देखो वही बात है कि अपनों ने वहाँ पे एटलीस्ट जो कमेटी जैसे सेलेक्ट करते हैं ना वैसे ही है आई भी तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमारे पास ट्वेल्व क्वेश्चन पेपर यानी कि ट्वेल्व क्वेश्चन है ट्वेल्व क्वेश्चन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है कंटेनिंग फाइव एंड सेवन क्यूसन ठीक है जिसके देखो एक क्वेश्चन पेपर है ठीक है देखो ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन पेपर ये अपना क्वेश्चन पेपर है जिसमें देखो एक में कितने क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन है एक में कितने है? सेवन क्वेश्चन है है ना एक पार्ट में ये अपना फर्स्ट पार्ट है ये अपना सेकंड पार्ट है ठीक है और एक स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट है देखो यहाँ पे अटेम्प्ट कितने है? एट क्वेश्चन तो उसको करनी ही है यानी कि अटेम्प्ट टोटल टोटल अटैम टोटल अटेम्प्ट कितने होंगे बाई स्टूडेंट वो होंगे एट क्वेश्चंस। ये अपने को यहां पे दिया हुआ है ठीक है तो सेलेक्टिंग एटलीस्ट थ्री ईच पार्ट अपने को क्या है यहां पे इन दोनों में से क्या करना है कि एटलीस्ट थ्री क्यूशन क्या करना है सिलेक्ट करनी है ईच पार्ट ईच पार्ट में से हमें क्या करना है सिलेक्ट करना है तो ईच पार्ट में से सिलेक्ट करना देखो एटलीस्ट का मतलब हो गया ग्रेटर देन थ्री यानी कि ग्रेटर देन थ्री होनी चाहिए तो आपको देखो पॉसिबल केस में बता देता हूं है ना कि यहाँ पे क्या आएंगे पॉसिबल केस पॉसिबल केस केस फॉर सेलेक्टिंग एटलीस्ट थ्री क्यूशन ठीक है ईच पार्ट पार्ट में ठीक है ईच पार्ट में क्या होंगे तो पहले में देखो हम पहले वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं तो तो थ्री क्यूशन एक तो क्या हो सकते हैं थ्री क्यूशन क्यूशन इन फर्स्ट पार्ट एंड और कितने क्यूशन हम कर सकते हैं और यहाँ पर कितने चाहिए अपने को अटेम्प्ट चाहिए एट क्यूशन तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे फाइव इन फाइव इन सेकेंड पार्ट तो क्या होंगे विल बी विल बी सेलेक्टिंग इन कितने अपने पास देखो फर्स्ट पार्ट में टोटल कितने क्वेश्चन है फाइव है फाइव में से थ्री इन तू? दूसरे में कितने सेवन और फाइव इसी प्रकार से आप देखो कि सेकंड में अब आप, आपके पास देखो फोर क्वेश्चन आएंगे है ना फोर क्वेश्चन आएंगे इन फर्स्ट और सिमिलर देखो आप सेकंड में कितने ले सकते हो तीन ले सकते हो है ना तीन क्वेश्चन आप ले सकते हो है ना एटलीस्ट अपने को क्या लेने हैं एटलीस्ट थ्री क्यूसन लेने हैं और अटेम्प्ट कितने करने हैं सेवन करने हैं ठीक है तो यहाँ से यहाँ पे देखो टोटल कितना हो रहा है सेवन आ रहा है क्या सेम जो लॉजिकल है वो अपने पास लिख देना और यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे कि यहाँ पे तो देखो फोर है तो अपने पास देखो फाइव है यहाँ पे है ना फाइव में से तो आ जाएंगे फोर इन और नाइन कितने एक में कितने सेवन और सेवन में से आ जाएंगे थ्री तो देखो सेवन का आ रहा है ना नीचे क्योंकि अपने को टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने अपने को हाँ यहाँ पे आएंगे आएगा तो यहां पे देखो फोर आ जाएगा यहाँ पे फोर यहाँ पे कितने अपने पास देखो सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सेवन क्वेश्चन है और उसमें से चार क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने ठीक है इसी प्रकार से देखो एक केस क्या बन सकता अपने पास कि हम इसमें ले सकते हैं फाइव क्वेश्चंस और अपने को एटलीस्ट कितने हैं तो अटैम्प्ट ही करने हैं तीन तो ही करने हैं तो यहाँ से कितने आ जाएंगे फाइव और थ्री देखो यहाँ पे कितना अपना फाइव है तो यहाँ से देखो पॉसिबल केस क्या आएगा मैंने ये थ्योरी आपको लिखा दी तो है? है तो यहाँ पर क्या आएंगे फाइव और थ्री है तो फाइव और थ्री है तो पहले में कितना आएगा फाइव में से तो फाइव कर लो और यहाँ पर क्या कर दो सेवन में से कितना कर दो थ्री तो ये अपने पास देखो पॉसिबल कितने केस आएंगे थ्री केस आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या टोटल कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे यहाँ पे आएंगे फाइव सी थ्री इंटू सेवन सी फाइव प्लस और यहाँ पे आएगा फाइव सी फोर फाइव सी फोर इंटू सेवन सी फोर प्लस का फाइव सी फोर और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे सेवन सी फोर थ्री आएगा सॉरी ये आएगा तो एट लिस्ट के केस में देखो इधर भी एट लिस्ट आ गया तो इधर भी एट लिस्ट थ्री आ गया इसलिए ये अपने पास देखो टोटल केसेस आएंगे ये। तो इसका जो टोटल आंसर होगा वो ये होगा अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं डिटरमाइंड द फाइव कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स इफ़ द ईच सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड्स यानी कि हमें ईच कितना सिलेक्शन करना है फाइव कार्ड्स का क्या करना है सिलेक्शन करना है ठीक है और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उसमें एग्जैक्टली अपने पास देखो एक क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए उसमें और अपने को ताश की गड्डी में ये पता है कि कितने किंग होते हैं चार किंग होते हैं तो वो एक जो अपना एक्जेक्टली exactly जो वन किंग होगा वो कहाँ से सेलेक्ट होगा है ना वो सिलेक्ट होगा चार में से जो बाकी के बच गए कितने चार बच गए वो वहाँ पे रिमेनिंग कितने बच गए फोर्टी एट कार्ड्स उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट Four cards also four cards become four cards become King in कार्ड्स पैकेट जो कार्ड से पैकेट होते हैं उसमें फोर कार्ड क्या होते हैं किंग होते हैं सो so, अब यहां से क्या कर देंगे और यहां पे तो यहाँ पे देखो टोटल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे टोटल कॉम्बिनेशन ये होंगे कि वी कैन बी सेलेक्ट वन किंग फ्रॉम फोर किंग्स ऑफ पैक है ना एंड जो रिमेनिंग रिमेनिंग फोर फोर कार्ड्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम फोर्टी एट कार्ड्स तो इसकी जो टोटल पॉसिबिलिटी आएगी फोर सी वन इंटू फोर्टी एट इंटू फोर तो ये अपने पास आंसर निकल के आया है इसका ये तो यहाँ पे यह आया। तो यहाँ से यह अपना आंसर खत्म होता है ठीक है अब देखो सिक्स एट हो गया अब आ जाओ अपने पास नाइन कि यहाँ पे देखिए कि आपके पास देखो कि इट इज रिक्वायरमेंट टू सिक्स मैन फाइव मैन फोर वुमेन इन द रो है ना एक, एक रो के अंदर हमने पांच मैन और फोर वुमन्स को बिठाया है कि वेयर द वुमन ऑक्युपाई द इवन प्लेस यानी कि जो वुमन है ना वो ऑक्यूपाइड द इवन प्लेस होनी चाहिए हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल अरेंजमेंट आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ठीक है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइग्रे डाइग्राम देखो पहले हमारे को देखो कंडीशन किस पे दी हुई है कंडीशन ये दी है कि वुमन क्या होनी चाहिए इवन प्लेस पे होनी चाहिए ठीक है तो पहले अपने को क्या है कि अपने पास जो अपने पास मेन है ना उनको बिठाओ आप तो पहले अपने पास देखो मेन है तो मेन को यहां पे यहां पे पहले किसको बिठा दो मेन एम वन फिर एम थ्री पोजिशन फिर यहां पे देखो एम फाइव पोजिशन और फिर क्या आ जाएगा एम सेवन पोजिशन एम नाइन पोजिशन एम नाइन पोजिशन ठीक है तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या बिठाएंगे जो अपनी जो वुमन्स होंगी वो किसके ऊपर बैठेंगी इवन प्लेसिस पे तो यहाँ पे टू और यहाँ पे फोर और यहाँ पे कितना जाएगा थ्री और यहाँ थ्री नहीं आएगा यहाँ पे सिक्स आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा एट अब आपको पता होना चाहिए कि देखो अपने पास देखो मेन और वुमेन्स इन दोनों को बिठाने के कितने तरीके आ गए ठीक है तो यहाँ पे अपने पास देखो फोर ही वुमन है और फोर ही प्लेस है अपने पास बिठाने को तो क्या ही करेंगे है ना तो यहाँ पे देखो इनको कितने तरीके से बिठा सकते हैं कि फोर फोर मैन एट है फोर टाइम्स यानी कि फोर टाइम्स का मतलब फोर सभी जगह बिठाने हैं ना अपने को इसलिए तो यहाँ पे देखो इनके सो अब यहाँ पे मेन को बिठाने के तरीके कितने हो गए फोर फैक्टोरियल इसी प्रकार से वुमन को बिठाने के कितने तरीके हो गए चार फैक्टर यानी फोर फैक्टोरियल तो यहाँ से इन दोनों का जब भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा और यहाँ से वन ट्वेंटी को ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये, ये अपने पास अब आपको ये क्या लिखना है अपने को वर्डिंग में लिखनी है वो आप लिख सकते हो इतने तो काबिल हो आप ठीक है तो ये काम आपके ऊपर है कि आपको इसको भाषा लिखनी है और आपको देखो कुछ नहीं करना है देखो पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसके ऊपर पहले कंडीशन दी हुई होती है उसको बाद में फिल करते हैं और जो अपने को देखो यहाँ पे बिठाना है ना इवन प्लेसिस पे बस इतना तो अपने पास देखो अब इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि वुमेन्स अपने पास है ही नहीं है कि आप सोचोगे सर टेन पे बिठा दो तो अपने पास फाइव वुमन ही नहीं है तो मैं कहाँ पे बिठा दूंगा यार उनको हैं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ बस इतना ही जा रहा हूँ वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे देखो फोर पोजीशन है फोर एट ए टाइम करना है तो फोर फैक्टोरियल्स और यहाँ पे क्या कर देंगे फ़ाइव फैक्टोरियल आ गई बात समझ में चलो अब अपना टेंथ वा क्यूशन है वो वो करते हैं सोल ठीक है अब देखो अपने पास देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें थोड़ा आपको समझना जैसे हमने कंपल्सरी वाला क्वेश्चन किया था ना उसी तरीके का ये क्वेश्चन है ठीक है तो ये क्या है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट टेन आर टू बी चूज फॉर ए एक पार्टी को उन्होंने चूज किया है यानी कि सब फेयर वेल है और ये एक एक्स एक एक पार्टी का नाम है वो वाला उन्होंने अरेंज करने का सोचा है यानी कि उनको है ना तो देर देर आर ए थ्री स्टूडेंट डिसाइडेड दैट आइडर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नो नो वन देम विल जॉइन यानी कि वो उसको ज्वाइन भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इन हाउ मैनी वे कैन यू दिस पार्टी यानी आप इस पार्टी को कितने तरीके से क्या कर सकते हो चॉइस कर सकते हो ये बात है है ना तो इसमें देखो कंडीशन यही है कि कंपलसरी वाली है कि ये जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं गए तो भी ठीक है और वही बात है कंपलसरी है आएगी तो आनी पड़ेगी वही बात है तो यहाँ पे भी देखो ये गए और नहीं गए जाने पर तो इनका फ़ायदा है कुछ खाने को मिल जाएंगे पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे तो उनको फ़ायदा है कि नहीं आए तो ठीक है कुछ बच गया इसलिए तो यहाँ पे देखो पहला केस तो ये आ गया कि यदि ये जाते हैं यानी कि इनका जाना यदि फिक्स हो गया ना तो फिर ये चले जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे देखो क्या सिलेक्ट करना है और क्या नहीं करना है ठीक है तो पहली जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी यहाँ पे देखो अपने पास क्या है टोटल टोटल स्टूडेंट कितने ट्वेंटी फाइव ठीक है सेकंड वन यहाँ पे कितने थ्री स्टूडेंट और एक कंडीशन क्या दी हुई है three student three student who decided that either आदर ऑफ देम विल ज्वाइन और नॉट ठीक है ये कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन में ये लिखते हैं कि देडेंट विल ज्वाइन द पार्टी देखो वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही उस पार्टी में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हमें उन तीन को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है समझ में आ गई क्योंकि उनके ऊपर ये कंडीशन दी हुई है कि वो पहले से ही वहाँ पे क्या है गए हुए हैं तो ठीक है तो, तो गए हुए हैं तो अपने पास देखो टेन है ठीक है अब टेन में से तीन तो चले गए वहाँ पे पहले ही तो बचे कितने सेवन हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या होंगे रिमेनिंग जो सेवन होंगे और जो टोटल तीन टोटल में भी वो तीन पहले चले गए तो ट्वेंटी टू में से हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा टू रिमेनिंग सेवन स्टूडेंट सेलेक्ट सेलेक्टिंग इन कितने में देखो ट्वेंटी इनटू सेवन वे ठीक है अब सेकंड में क्या होगा कि यदि वो नहीं जाएंगे तो उनकी जगह यानी उनकी जगह वो तीन नहीं जाएंगे ना तो उनकी जगह कोई तीसरे तीन आएंगे और वो क्या कर देंगे टेन यानि कि पूरे के पूरे वो टेन जो पर्सन है ना वो ही जाएंगे इसलिए ठीक है देन अगेन सेकेंड कंडीशन दे थ्री स्टूडेंट विल नॉट जॉइन द पार्टी यदि अब वो नहीं जा रहे हैं तो अब जो क्या होगा तो सो टेन टेन स्टूडेंट टेन स्टूडेंट विल बी अब कहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो टेन स्टूडेंट वो करेंगे ट्वेंटी टू में से क्योंकि वो गए और नहीं गए तो उनको हमें सिलेक्शन वो टोटल स्टूडेंट के कलेक्शन में थे पहले समझ में आई कि पहले वो ट्वेंटी फाइव के कलेक्शन में थे गए तो भी ठीक है नहीं गए तो भी उनको घटाना है वही बात है कंपलसरी वाली कि कंपलसरी को हमें टोटल में से तो घटाना है क्योंकि उनके ऊपर तो अपना अधिकार ही नहीं है ना इसलिए तो वो जाएँ या न जाएं तो उनका जो सेलेक्टिंग वे होगा ट्वेंटी इंटू तो हमें इनको कितने तरीके से टेन वैसे हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं ये तो यहां पे क्या जाएंगे टोटल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग क्या करेंगे से, सेलेक्टिंग द पार्टी पार्टी एक्यूरियस पार्टी तो यहाँ से क्या आएंगे इन दोनों को जोड़ देंगे आइदर और गो आइदर और है ना ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सी टेन तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे इसके आंसर ये तो ये आ गया अपना पास आंसर ठीक है अब अपना जो लास्ट वन क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं लास्ट वन वही क्वेश्चन है कि एस को क्या ले लो आप टुगेदर ले लो तो अपने पास देखो कि ये जो शब्द है इसी में देखो तो यहां पे देख लो आप कि यहां पे ए कितनी टाइम्स है तो वन टू थ्री यानी कि ए कितनी टाइम्स आ गए थ्री टाइम्स थ्री एज है ना और यहां पे एस देखो एस कितनी बार है फोर फोर एस है ठीक है इसमें एस भी खत्म इसमें एस एस भी गया ठीक है फिर इसमें आ जाओ आप आई में टू कितने आईज हैं ठीक है यहाँ पे और टू कितने हैं टू कितने हो गए एन और कितने रह गए यहाँ पे एस गया आई गया एन गया ये हो गया एन गया और आई गया एक क्या बचा एक तो बचा टी वन क्या है टी है और एक कितना बचा ओ बचा ये ओ है ठीक है ठीक है ओ है ठीक है अब आगे क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखने हैं वेन पॉसिबल ए आर एस क्या है टुगेदर है यानी फोर एस क्या है टुगेदर है ठीक है टोटल वर्ड कितने आ गए यहां पे यहाँ पे आ गए थ्री फोर सेवन सेवन नाइन नाइन इलेवन एलेवन टू थर्टीन तो यहाँ पे भी काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन हाँ थर्टीन ही है पूरे ठीक है तो यहाँ से देखो थर्टीन है थर्टीन में से फोर गए तो कितने बचे नाइन देखो यहाँ पे देखो फोर एस तो है ही है ये देखो और बाकी कितने बच गए इधर नाइन अब इसको ले लो आप टुगेदर तो ये कितने होंगे टोटल मिला के कितने होंगे टेन तो यहां पे वी we हैव, हैव, हैव टेन लेटर्स वी हैव टेन लेटर्स है ना अपने पास टेन लेटर्स है देन अब देखो कितने है? थ्री तो कितनी टाइम्स है थ्री एस और क्या है टू एस और एक क्या है टू एन एस और एक क्या है और अदर्स क्या हैं अदर्स क्या हैं डिफरेंट है टोटल टोटल परम्यूटेशंस परम्यूटेशंस नहीं होंगे अपने हाँ टोटल परम्यूटेशंस परम्यूटेशन कितने होंगे टेन फैक्टोरियल है ना और यहाँ पे देखो ए तो है थ्री टाइम्स फिर है एस तो आ गया अपना टू आ गया फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा टू एस आ जाएगा और और यहाँ पे देखो वन टाइम्स वन टाइम्स तो ये अपना क्या हो गया इलेवंथ क्वेश्चन आ गया जिसमें देखो ये सही से काउंट कर लेना ये अपने थर्टीन है इनमें से फोर एस को एक ले लिया तो थर्टीन में से फोर गया नाइन और इसको क्या ले लिया एक तो टेन हो गए टेन तो अपने पास लेटर्स हो गए थ्री और ये टाइम्स आ गया थोरम यूज़ कर दी और उसको अप्लाई करा लिया तो आज का पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया पूरे जो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट सोल्व कर दी है तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और मैं अब आपके लिए आगे और वीडियो लेके आऊँगा अब जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो सिक्वेंस और सीरीज का आएगा तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो